हमारे रहीम, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ब्रेस्ट पैथोलॉजी। अब ब्रेस्ट पैथोलॉजी में सबसे पहले हम ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रेस्ट होता है वो आपका मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है और ये एम्ब्रियोलॉजिकली आपकी स्किन से ही डिराइव्ड होता है। ब्रेस्ट टिश्यू आपकी जो मिल्क लाइन होती है, जो कि आपके एक्जिला से वल्वा तक होती है, वहाँ पे कहीं पे भी डिवेलप हो सकता है। जैसे कि आपके जो सुपर न्यूमरी ग्लैंड्स होते हैं वो अलॉन्ग द मिल्क लाइन ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो टर्मिनल डक्ट होती है ना, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट, वो आपका फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेस्ट का, ठीक है। जो आपकी टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट होता है ना, वो फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेस्ट का। जो लोब्यूल्स होते हैं वो मिल्क बनाते हैं, जो कि ड्रेन होता है डक्ट से आपकी निपल्स के अंदर, ठीक है। अब जो आपका जो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट होता है, टर्मिनल डक्ट का जो लोब्यूलर यूनिट होता है वो आपका फंक्शनल यूनिट होता है ब्रेस्ट का, और लोब्यूल्स के अंदर आपका मिल्क की प्रोडक्शन होती है और फिर डक्ट्स के थ्रू वो ड्रेन हो जाता है टू द निपल में। लोब्यूल्स और डक्ट्स आपकी दो लेयर्स ऑफ एपिथीलियम से लाइंड होते हैं, एक ल्यूमिनल सेल लेयर होती है, एक मायोपिथीलियल सेल लेयर होती है। जो ल्यूमिनल सेल लेयर होती है उसमें इनर सेल लेयर होती है जो कि लाइन करती है डक्ट्स को, लोब्यूल्स को, और ये मिल्क प्रोडक्शन कराती है लोब्यूल्स के अंदर। जो ल्यूमिनल सेल लेयर है वो ल्यूमिन के अंदर होगी, इनर लाइनिंग होगी डक्ट्स की, लोब्यूल्स की, और मिल्क की प्रोडक्शन कराएगी। जो मायोपिथीलियल सेल लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है डक्ट्स की और लोब्यूल्स की, मायो एपिथीलियल, ठीक है। मायो मीन्स होते हैं मसल के, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होता है जो कि प्रोपेल करता है मिल्क को टूवर्ड्स द निपल। अब जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है ये हार्मोन सेंसिटिव होता है। प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल का जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसमें सिर्फ लार्ज डक्ट्स होती हैं निपल्स के नीचे। डिवेलपमेंट के बाद या फिर मेनार्की के बाद, ठीक है, जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना, इसकी डेवलपमेंट होती है मेनार्की के बाद, ठीक है। लोब्यूल्स और जो स्मॉल डक्ट्स होती हैं वो बनती हैं और फिर आपकी हाई डेंसिटी हो जाती है अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और जो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर हाई डेंसिटी में होती है, लोब्यूल और डक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं। मेनार्की के बाद डिवेलपमेंट होती है आपके ब्रेस्ट की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से। हार्मोन सेंसिटिव होता है आपका ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट की टेंडनेस जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होती है, जो कि कॉमन कंप्लेन होती है अक्सर फीमेल्स की, और या फिर मेंस्ट्रुएशन से पहले अक्सर फीमेल्स को ब्रेस्ट टेंडनेस डेवलप हो जाती है, क्योंकि तब आपके जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स लेवल ज्यादा हुए हुए होते हैं तो आपको मेंस्ट्रुएशन से पहले ब्रेस्ट टेंडनेस डेवलप हो जाती है। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट लोब्यूल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। उसके बाद फीटस और प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है लिटिल प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर आपका जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा होगा, फिर बाद में फीटस और प्लेसेंटा लेटर प्रेगनेंसी के अंदर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का हाइपरप्लेजिया हो जाता है और ब्रेस्ट में भी आपके लोब्यूल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। मेनोपॉज के बाद आपका ब्रेस्ट टिश्यू की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। ग्लेक्टोरिया के अंदर ये होता है कि आपकी मिल्क की प्रोडक्शन होती है आउटसाइड ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, कि आपको लैक्टेटिंग मदर नहीं है लेकिन फिर भी उनके अगर ब्रेस्ट से मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम ग्लेक्टोरिया कहते हैं। ग्लेक्टोरिया एक ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम नहीं है, ये निपल की स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है, जो कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉज होती है, ठीक है। निपल को अगर आप स्टिमुलेट करोगे तो ग्लेक्टोरिया स्टार्ट हो जाता है, या फिर अगर आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो, ठीक है, जिसे हम प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं, तो उसमें आपके प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है जब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा होता है, तो उसमें ग्लेक्टोरिया हो जाता है, या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से आपको ग्लेक्टोरिया डेवलप हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ द ब्रेस्ट। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में सबसे पहले एक्यूट मैस्टाइटिस आता है। एक्यूट मैस्टाइटिस के अंदर आपकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाती है ब्रेस्ट की स्टैफिलोकोकस ऑरिस की वजह से, और ये ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, और क्योंकि निपल से आपके जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपके ब्रेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अब इसमें जो ब्रेस्ट होगा ना वो एरिथमेटस हो जाएगा, रेड सा हो जाएगा, साथ आपको प्यूरुलेंट निपल डिस्चार्ज आएगा और इवन आपको वहाँ पे एब्सेस भी बन सकती है। ट्रीटमेंट में आपने इसका कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज कराना होता है कि आपने बार बार फीड करना है बच्चे को, और एंटीबायोटिक्स में हम डाइक्लोक्सिसिलिन देते हैं और एंटीबायोटिक्स में। उसके बाद आता है पेरीडक्टल मैस्टाइटिस। पेरीडक्टल मैस्टाइटिस के अंदर आपके जो सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और ज़्यादातर ये स्मोकर्स के अंदर होती है 90% केसेस में। अब जो पेरीडक्टल मैस्टाइटिस है ना, इसमें रिलेटिव विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपका स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट्स का, डक्ट्स की ब्लॉकेज होती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है। क्लिनिकली जो इसमें सब एरियोलर मैस में नजर आता है, और साथ आपका निपल रिट्रैक्ट हुआ होता है।
ठीक है, निपल रिट्रैक्ट हुआ होगा, सब एरियोलर मैस हमें नजर आता है, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके लैक्टिफेरस डक्ट्स का स्क्वैमस मेटाप्लेजिया डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डक्ट्स की ब्लॉकेज हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसके बाद आते हैं मेमरी डक्ट एक्टेजिया। मेमरी डक्ट एक्टेजिया का मतलब होता है कि आपकी जो सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं उनका एक्टेजिया हो गया, डायलेशन हो गई है और साथ इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन भी होती है और डायलेट भी हो जाती हैं जो आपकी सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं। ये रेयर होता है, क्लासिकली मल्टी पैरस पोस्ट मीनोपॉजल वमेन के अंदर राइज होता है कि जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उस तरह की वमेन्स का जब पोस्ट मीनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद उनकी जो मेमरी ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं या जो आपके ब्रेस्ट की जो सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और साथ इन्फ्लामेशन भी उसमें हो जाती है। हमें एरियोला के अराउंड पेरी एरियोलर मैस नजर आता है और ग्रीन ब्राउन निपल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जो कि इन्फ्लामेटरी डेब्रिस होता है। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और प्लाज्मा सेल्स नजर आते हैं बायोप्सी के ऊपर। उसके बाद आती है फैट नेक्रोसिस। नेक्रोटिक फैट हो जाती है, ब्रेस्ट फैट के अंदर नेक्रोसिस हो जाती है कोई भी ट्रॉमा लगने की वजह से, या फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा अक्सर आपको नहीं भी पता चलती लेकिन फिर भी आपको फैट नेक्रोसिस मिलती है ब्रेस्ट में। इसमें आपको मैस नजर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर और आपकी एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन नजर आती है मेमोग्राफी के ऊपर, स्पॉनिफिकेशन की वजह से, फैट की स्पॉनिफिकेशन की वजह से जब कैल्शियम की डिपॉजिट हो जाती है फैट के अंदर, सॉल्ट्स की डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, तो स्पॉनिफिकेशन की वजह से आपको जो है ना वो कैल्सिफिकेशन भी नजर आती है मेमोग्राफी के ऊपर। बायोप्सी के ऊपर हमें नेक्रोटिक फैट नजर आती है और साथ कैल्सिफिकेशन और जॉइंट सेल्स नजर आते हैं। उसके बाद आते हैं बिनाइन ट्यूमर्स एंड फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। सबसे पहले आती है फाइब्रोसिस्टिक चेंज। फाइब्रोसिस्टिक चेंज नाम से ही बता रही है कि ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रोसिस होगी और सिस्ट डेवलप हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन चेंज होता है प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट वाली फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स की वजह से। अब इसमें इरेगुलरिटी हो जाती है आपके ब्रेस्ट की टिश्यू की, आपको लंपी ब्रेस्ट नजर आता है, ज्यादातर ये अपर और आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होता है। सिस जो होती है इनकी ब्लू डोम अपेयरेंस होती है ग्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर, ये बिनाइन होती है। कुछ जो फाइब्रोसिस्टिक रिलेटेड चेंजेस होती हैं वो इंक्रीज रिस्क कर देती हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा का दोनों ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है, कि अगर आपकी अगर एक ब्रेस्ट के अंदर भी अगर आपको फाइब्रोसिस्टिक रिलेटेड कोई डिजीज डेवलप हो गई है तो आपके दोनों चेस्ट के अंदर दोनों ब्रेस्ट के अंदर इन्वेसिव कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें हमें एपोक्राइन मेटाप्लेजिया मिलता है, फाइब्रोसिस होती है, सिस्ट होती है, कोई इंक्रीज रिस्क नहीं होता। अगर डक्टल हाइपरप्लेजिया होगा और सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस होगी तो टू टाइम्स रिस्क इंक्रीज कर जाता है, और अगर आपका ए टिपिकल हाइपरप्लेजिया डेवलप हो गया तो 5 times इंक्रीज हो जाता है रिस्क इन्वेसिव कार्सिनोमा का, ठीक है। अगर सिंपल फाइब्रोसिस है, सिस्ट है और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया है तो रिस्क नहीं होता कैंसर का इन्वेसिव कार्सिनोमा का, लेकिन अगर आपकी डक्ट्स का हाइपरप्लेजिया हो गया और साथ आपको सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस डेवलप हो गई है तो 2 times रिस्क होता है, और अगर आपको एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो 5 times इंक्रीज हो जाता है रिस्क इन्वेसिव कार्सिनोमा का। उसके बाद आता है इंट्राडक्टल पैपिलोमा। इंट्राडक्टल पैपिलोमा के अंदर आपकी पैपिलरी ग्रोथ होती है, ज्यादातर लार्ज डक्ट्स के अंदर होती है। इसमें फाइब्रोवैस्कुलर प्रोजेक्शंस नजर आती हैं जिनमें आपको एपिथीलियम से लाइंड होती हैं और मायोएपिथेलियल सेल्स भी नजर आते हैं, ठीक है। इंट्राडक्टल पैपिलोमा के अंदर फाइब्रोवैस्कुलर प्रोजेक्शंस होंगी जिसमें आपका एपिथीलियम होता है और साथ मायोएपिथेलियल सेल्स भी होते हैं। ब्लडी निपल डिस्चार्ज होता है प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर, अगर तो इंट्राडक्टल पैपिलोमा होगा, किसी डक्ट के अंदर अगर पैपिलरी ग्रोथ हो जाएगी। इसको हमने पैपिलरी कार्सिनोमा से डिफरेंशिएट करना होता है क्योंकि पैपिलरी कार्सिनोमा के अंदर भी आपको ब्लडी नीपल डिस्चार्ज होता है। उसके बाद आता है पैपिलरी कार्सिनोमा। पैपिलरी कार्सिनोमा के अंदर हमें फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शंस ही मिलते हैं जिसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन इसमें कोई अंडरलाइंग मायोएपिथेलियल सेल्स हमें नजर नहीं आते हैं। इसमें जो रिस्क होता है ना पैपिलरी कार्सिनोमा का, वो एज बढ़ने के साथ बढ़ जाता है और ज्यादातर हमें पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर पैपिलरी कार्सिनोमा मिलता है। अब जो इंट्राडक्टल पैपिलोमा था ना वो प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर हो रहा था, और जो पैपिलरी कार्सिनोमा होता है वो ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है। उसके बाद आता है फाइब्रोएडिनोमा। अब फाइब्रोएडिनोमा में ट्यूमर होता है आपके फाइब्रस टिश्यू का और ग्लैंड्स का। एडिनोमा मीन्स ग्लैंड और फाइब्रो मीन्स के फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व है, तो आपके फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंड्स का ट्यूमर होता है। ज्यादातर बिनाइन नियोप्लाज्म होता है ब्रेस्ट का और ये प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है। वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है और मोबाइल होता है, मार्बल की तरह का आपको मैस नजर आता है। एस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है, प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाता है और पेनफुल हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इसमें कार्सिनोमा के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि ये बिनाइन होता है जो फाइब्रोएडिनोमा होता है। अब आते हैं फाइलोइडीज ट्यूमर, ठीक है। जो फाइलोइडीज ट्यूमर होता है ये फाइब्रोएडिनोमा की तरह का ही ट्यूमर होता है और इसमें ओवरग्रोथ हो जाती है आपके फाइब्रस कंपोनेंट की। इसमें आपको लीफ की तरह की प्रोजेक्शंस नजर आती हैं बायोप्सी के ऊपर, ठीक है। पत्ते की तरह की प्रोजेक्शंस हमें नजर आती हैं बायोप्सी के ऊपर फाइलोइडीज ट्यूमर के अंदर, और ये मोस्ट कॉमन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर हमें मिलता है और ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। अब जो फाइब्रोएडिनोमा था वो प्री मेनोपॉजल के अंदर हो रहा है और जो फाइलोइडीज ट्यूमर है वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होता है। उसके बाद आते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब जो ब्रेस्ट कैंसर है ये मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन के अंदर, और इसका इंसिडेंस के हिसाब से
अगर हम स्किन कैंसर को निकाल दें, ठीक है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वुमेन्स के अंदर। रिस्क फैक्टर्स में एक्सट्रोजन के एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। सबसे पहले कि फीमेल जेंडर्स के अंदर कॉमन होगा। कैंसर ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर अराइज करता है, और अगर आपको हेरिडिटरी कॉज नहीं है तो फिर ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर ही ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है। इसमें अर्ली मेनार्की होगी, लेट मेनोपॉज के, आपकी मेंस्ट्रुएशन बहुत जल्दी स्टार्ट होती है और बहुत अरसे तक अगर आपको मेंस्ट्रुएशन रह रही है तो इसे हम कहते हैं कि आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी के अंदर एटिपिकल अगर हाइपरप्लेसिया हो गया, या अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर मदर को था, सिस्टर को था, या डॉटर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा के। अब सबसे पहले आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, इसका मतलब है कि आपकी मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है आपके सेल्स की, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी सेल्स की डक्ट्स के अंदर, लेकिन कार्सिनोमा इन सिटू का मतलब होता है कि बेस्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। अब इसमें इन्वेजन नहीं होती है बेस्ट मेम्ब्रेन की। ज्यादातर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आती है मैमोग्राफी के ऊपर। जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू होता है वो मैस प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, एक मैस को प्रोड्यूस नहीं करता है। मैमोग्राफी के ऊपर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आती है। इसमें डक्ट्स में ही मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करता है। जो मैमोग्राफिक कैल्सिफिकेशन होती हैं वो बिनाइन कंडीशंस के साथ भी एसोसिएट होती हैं, जैसे फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस के अंदर जब आपको सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस या फिर फैट नेक्रोसिस होती है, तो इसमें भी आपको मैमोग्राफिक कैल्सिफिकेशन नजर आती हैं, सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस के अंदर भी और फैट नेक्रोसिस के अंदर भी, ठीक है। जो फाइब्रोसिस्टिक चेंज में हमने पढ़ा था कि सेक्लेरोजिंग एडिनोसिस और फैट नेक्रोसिस में जो ट्रॉमा वगैरह होते हैं तो उसकी वजह से भी आपको कैल्सिफिकेशन नजर आती है। हमने पढ़ा था कि स्पॉनिफिकेशन की वजह से हमें कैल्सिफिकेशन नजर आती है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर फैट नेक्रोसिस में, और हमें डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर भी हमें कैल्सिफिकेशन नजर आती हैं मैमोग्राफिक पे। अब हम बायोप्सी लेते हैं कैल्सिफिकेशन की, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि बिनाइन कंडीशन थी या मैलिग्नेंट कंडीशन थी। हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स जो होती हैं वो इस आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक होती है कॉमिडो टाइप, ठीक है। कॉमिडो टाइप में क्या होता है, आपके हाई ग्रेड सेल्स होते हैं, साथ नेक्रोसिस होती है और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हुई होती है डक्ट्स के सेंटर में, ठीक है। डक्ट्स के बिल्कुल दरमियान में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी और साथ हमें हाई ग्रेड सेल्स मिलते हैं और नेक्रोसिस होती है। उसके बाद आती है हमारे पास पेजेट्स डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अब जो पेजेट्स डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट होती है, ये भी डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू ही होता है, जो कि एक्सटेंड कर जाता है डक्ट्स को और आपकी स्किन ऑफ द नीपल को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। आपकी डक्ट्स एक्सटेंड करके आपके निप्पल की स्किन को इन्वॉल्व कर लेता है, जो पेजेट्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट होती है। इसमें निप्पल की अल्सरेशन हो जाती है, निप्पल पे एरिदेमा होगा, रेड हो जाएगा आपका निप्पल। और जो पेजेट्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट होती है मोस्ट कॉमन ऑलवेज अंडरलेइंग कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। जो अगर आपको पेजेट्स डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट होगी तो उसके नीचे लाजमी कार्सिनोमा होगा ही, क्योंकि डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू के साथ एसोसिएटेड होती है। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू ही होता है जो कि आपकी डक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर निप्पल की स्किन तक पहुंच जाता है, निप्पल में अल्सर बन जाता है निप्पल का और एरिथेमा हो जाता है। उसके बाद आता है इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। अब पहले सिंपल डक्ट का कार्सिनोमा था जो कार्सिनोमा इन सिटू था, जिसने बेस्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया था। अब इनवेसिव कार्सिनोमा आ गया। इनवेसिव का मतलब यह है कि वो आपकी बेस्ट मेम्ब्रेन क्रॉस करके पूरा इन्वेड कर गया, ठीक है। इनवेसिव कार्सिनोमा क्लासिकली आपकी डक्ट की तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। हमने उसमें पढ़ा था कि कोई इस तरह के मैस की तरह का स्ट्रक्चर्स नहीं बनता है। अब इनवेसिव कार्सिनोमा में एक डक्ट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है इनवेसिव कार्सिनोमा इन ब्रेस्ट की। 80% से ज्यादा जो आपके ब्रेस्ट के कार्सिनोमा होते हैं वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ही होता है। इसमें हमें मैस नजर आता है, जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन पर भी फील कर सकते हैं और मैमोग्राफी के ऊपर भी फील कर सकते हैं। क्लिनिकली जो मैस होते हैं वो 2 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा जब बड़े होंगे तो फिर हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैमोग्राफी होती है वो 1 सेंटीमीटर तक के मैसेस को भी डिटेक्ट कर लेती है। एडवांस ट्यूमर जो होते हैं उसके ऊपर आपको स्किन के ऊपर डिम्पलिंग नजर आती है, या फिर आपका निप्पल जो है ना वो अंदर की तरफ चला जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है। बायोप्सी हमें शो करती है डक्ट की तरह के स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपको डेस्मोप्लास्टिक स्ट्रोमा मिलता है और स्पेशल सब टाइप्स मिलती हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की, ठीक है। अब जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। पहले आती है ट्यूबुलर कार्सिनोमा, फिर आता है म्यूसिनस कार्सिनोमा, फिर आता है मेडुलरी कार्सिनोमा, एंड देन आता है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा, ठीक है। चार तरह की कार्सिनोमा, चार तरह की टाइप्स होती हैं आपके इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा की। सबसे पहले आता है ट्यूबुलर कार्सिनोमा। ट्यूबुलर कार्सिनोमा के अंदर हमें वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स नजर आते हैं, जिसमें मायोपीथेलियल सेल्स लैक करते हैं, नहीं होते हैं, मायोपीथेलियल सेल्स नहीं होंगे, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। उसके बाद आता है म्यूसिनस कार्सिनोमा। जो म्यूसिनस कार्सिनोमा होता है इसमें हमें म्यूसिन बहुत ज्यादा मिलता है, ट्यूमर सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं म्यूकस के पूल में, और ये ज्यादातर ओल्डर वुमेन्स के अंदर होता है जो कि 70 ईयर से ज्यादा की होती हैं, इसकी भी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। थर्ड पे आता है मेडुलरी कार्सिनोमा, जिसमें हमें लार्ज हाई ग्रेड सेल्स नजर आते हैं
और जो शीट्स में ग्रो कर रहे होते हैं, और साथ हमें लिम्फोसाइट्स भी नज़र आते हैं और प्लाज्मा सेल्स भी नज़र आते हैं। ये भी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है और ये फाइबर एडिनोमा को मिमिक कर रहा होता है, जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है मेमोग्राफी पे। इसकी भी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है और इसमें BRCA1 कैरियर्स का इंसिडेंस इसमें ज़्यादा हो जाता है। जो BRCA1 की जिनके अंदर म्यूटेशन होती हैं उनके अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद आता है इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा में कार्सिनोमा होगा जो जिसमें हमें डर्मल लिम्फैटिक्स के अंदर हमें कार्सिनोमा मिलता है। ये इन्फ्लेम्ड होता है, क्लासिकली इन्फ्लेम्ड स्वोलन ब्रेस्ट हमें नज़र आता है। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो लिम्फैटिक्स की ब्लॉकेज कर देते हैं, लिम्फैटिक्स को ड्रेन नहीं होने देते हैं। हमें कोई डिस्क्रीट मैस नहीं नज़र आता और इसे हमें एक्यूट मैस्टाटाइटिस की तरह नज़र आता है, जो इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा होता है, और इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है। अब चार तरह के कार्सिनोमा थे, ट्यूबुलर, म्यूसिनस, मेडुलरी एंड इन्फ्लामेटरी। जो ट्यूबुलर था उसमें ट्यूब्यूल्स नजर आ रहे थे, अच्छी प्रोग्नोसिस थी। म्यूसिनस के अंदर म्यूकस पूल के अंदर आपके कार्सिनोमा सेल्स होते हैं और ये ओल्डर वेमेंस के अंदर होता है, 70 ईयर से ज्यादा की वाली वेमेंस के अंदर होता है, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। जो मेडुलरी कार्सिनोमा है वो फाइब्रोएडिनोमा की तरह नजर आता है मेमोग्राफी के ऊपर। ये भी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस होता है, इसमें हाई ग्रेड सेल्स हमें नजर आते हैं, साथ हमें एसोसिएटेड लिम्फोसाइट्स भी नजर आते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी नजर आते हैं, जिनको BRCA1 कैरियर्स के अंदर ज्यादातर मेडुलरी कार्सिनोमा होता है, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। जो इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा था वो एक्यूट मैस्टाइटिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि इसमें आपका जो आपके डर्मल लिम्फैटिक्स होती है उनका कार्सिनोमा होता है, कि लिम्फैटिक ड्रेनेज आपकी ब्लॉक हो जाती है ट्यूमर सेल्स की वजह से, ब्रेस्ट आपका स्वेल कर जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, कोई डिस्क्रीट मैस नजर नहीं आता है और इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। उसके बाद आते हैं लोब्यूलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया डक्टल कार्सिनोमा, दूसरा आ गया लोब्यूल्स का। अब लोब्यूलर कार्सिनोमा में क्या होता है कि आपकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की लोब्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट का मतलब यही है, इंस्टीट्यूट का मतलब ये होता है कि वो बेस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा। अब इसमें मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन लोब्यूल्स के अंदर होगी, डक्टल कार्सिनोमा के अंदर जो आपकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन थी वो डक्ट्स के अंदर हो रही थी। अब ये मैस भी जो लोब्यूलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट है वो भी डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट की तरह कोई मैस प्रोड्यूस नहीं करता और इसमें कैल्सिफिकेशन भी नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन हमें डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट के अंदर कैल्सिफिकेशन मिल रही थी, ठीक है, मेमोग्राफी के ऊपर, लेकिन इसके अंदर हमें कैल्सिफिकेशन भी नहीं मिल रही है। इसमें हमें डिसकोहेसिव सेल्स नजर आते हैं, जो ई-कैडरिन जो एडहियन प्रोटीन्स होती हैं उनके लॉस हो जाने की वजह से आपके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एडहेयर नहीं कर रहे होते, डिसकोहेसिव सेल्स हमें नजर आते हैं। जो लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट होता है वो मल्टीफोकल होता है और बायलैटरल होता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में हम टेमोक्सिफेन देते हैं जो कि रिड्यूस कर देती है बाद में सब्सिक्वेंट कार्सिनोमा के रिस्क को। अगर किसी को लोबुलर कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट हो तो उनको हम टेमोक्सिफेन देते हैं ताकि उनको प्रॉपर इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा डेवलप ना हो। ठीक है, इसका क्लोज फॉलोअप हमने कराना होता है। लोअर रिस्क होता है प्रोग्रेशन का टुवर्ड्स इन्वेसिव कार्सिनोमा। इसमें हमें मेन चीज जो मिल रही है वो एक तो मल्टीफोकल होता है, बायलैटरल होता है, इसमें ई-कैडरिन के लॉस की वजह से हमें डिस्कोहेसिव सेल्स मिलते हैं, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होती है, कोई मैस नहीं नजर आता है हमें, और इसमें हम ट्रीटमेंट में टेमोक्सिफेन देते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। जो इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा है, इन्वेसिव कार्सिनोमा जो कि ग्रो करता है सिंगल फाइल पैटर्न की फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमें सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी हमें नजर आती है, कोई डक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि ई-कैडरिन का लॉस हो जाता है। ठीक है, डक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, इन्वेसिव कार्सिनोमा होगा जो कि सिंगल फाइल पैटर्न में ग्रो करता है। सेल्स जो होते हैं उनके अंदर हमें सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी नजर आती है, सेल्स आपके सिग्नेट रिंग की तरह के हो जाते हैं और कोई डक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है लॉस ऑफ ई-कैडरिन की वजह से। अब प्रोग्नोस्टिक और प्रिडिक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा के? जो प्रोग्नोसिस होती है ब्रेस्ट कैंसर की वो TNM स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। मेटास्टेसिस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट पेशेंट्स जो है वो मेटास्टेसिस से पहले ही प्रेजेंट कर जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। अब स्प्रेड इसका लिम्फ नोड्स में आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है जो कि मोस्ट यूजफुल प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। मेटास्टेसिस इज नॉट कॉमन एट प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी होती है इससे हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को असेस करते हैं। प्रिडिक्टिव फैक्टर्स जो प्रिडिक्ट करते हैं रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, सबसे पहले इसमें आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स आते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं, हर टू न्यू जीन एम्प्लीफिकेशन स्टेटस हम चेक करते हैं। ठीक है, हर टू न्यू जीन एम्प्लीफिकेशन स्टेटस चेक करते हैं, उनके हर टू न्यू रिसेप्टर्स का अक्सर ओवर एक्सप्रेशन हुआ हुआ होता है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स के सारे आपके प्रिडिक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट शो करते हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर की जो प्रेजेंस होती है ना वो एसोसिएटेड होती है
कि वो एंटी एस्ट्रोजन एजेंट्स को रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब टेमोक्सिफेन से उसका रिस्पॉन्स आएगा अगर उसके अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वो दोनों रिसेप्टर्स आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो हर टू न्यू एम्पलीफिकेशन होती है, इसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो ट्रस्टुजुमैब के साथ जरूरत है। जो हर्सेप्टिन होती है, एक डिजाइनर एंटीबॉडी होती है जो कि हर टू रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करती है। जो हर टू न्यू होता है वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है जो कि सेल की सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर्स भी होते हैं जिनमें जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और हर्ट यूनियन रिसेप्टर्स तीनों के लिए ही नेगेटिव होते हैं। इनकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। जो अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन्स होती हैं उनके अंदर इंक्रीज प्रोपेंसिटी होती है कि वो ट्रिपल नेगेटिव कार्सिनोमा डेवलप होगा। ठीक है, अगर तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो हम उनको टेमोक्सिफेन या फिर एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स देते हैं जिससे उनका काम बेहतर हो जाता है। और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसके रिसेप्टर्स। जो हर टू न्यू एम्पलीफिकेशन होती है, अगर उसके लिए हम ट्रस्टुजुमैब देते हैं जो कि हर्सेप्टिन है, एक आपकी डिजाइनर एंटीबॉडी होती है जो कि हर टू रिसेप्टर्स के अगेंस्ट काम करती है और इन पेशेंट्स का इसमें रिस्पॉन्स आता है और ये सेल की सर्फिस पे प्रेजेंट होती है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर होता है जिसमें ER रिसेप्टर्स, PR रिसेप्टर्स और हर टू रिसेप्टर्स, हर टू न्यू रिसेप्टर्स तीनों के लिए नेगेटिव होते हैं। और ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स के अंदर चांसेस यही होता है कि वो ट्रिपल नेगेटिव कार्सिनोमा उनको होता है और इसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है। उसके बाद आता है हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर वो जो फैमिलीज में रन करता है। अब 10% ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। क्लिनिकल फीचर सजेस्ट करते हैं कि जो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है इसमें मल्टीपल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अगर आपके हों ब्रेस्ट कैंसर वाले, या फिर ट्यूमर अगर आपको अर्ली एज के ऊपर हो गया। अगर आप ऐसी वुमन है जिस प्री मेनोपॉजल वुमन के अंदर अगर ट्यूमर होगा तो फिर उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं हेरिडिटरी कैंसर के। और मल्टीपल ट्यूमर्स अगर एक सिंगल पेशेंट के अंदर है तो उसकी वजह से भी आपको जो है ना वो चांसेस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, BRCA1, BRCA2 म्यूटेशंस जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल जीन म्यूटेशन होती है जो कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड होती है। जो BRCA1 म्यूटेशन होती है उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर भी होता है और ओवेरियन कैंसर कार्सिनोमा भी होता है फीमेल्स में। जो BRCA2 म्यूटेशंस होती हैं उसकी वजह से मेल्स के अंदर ब्रेस्ट कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। वमेन जिनकी जेनेटिक प्रोपेंसिटी होती है कि वो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करेंगी, उनको आपने बायोलैटरल उनकी मैस्टेक्टमी कर देनी होती है ताकि हम उनके कैंसर के चांसेस को रिड्यूस कर सकें। जो स्मॉल रिस्क होता है कैंसर का वो फिर भी रहता है मैस्टेक्टमी के बाद भी, क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो अक्सर आपके एक्सिला तक एक्सटेंड किया हुआ होता है या फिर आपकी सबक्यूटेनियस टिश्यू जो चेस्ट वॉल का होता है वहां तक एक्सटेंड किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बायोलैटरल मैस्टेक्टमी कर भी दोगे ऐसी वुमेन्स के अंदर जिनके अंदर चांस है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का, तो फिर भी उनके अंदर मिनिमल रिस्क रहता है। और जो BRCA1 म्यूटेशंस होती हैं इसकी वजह से आपको ओवेरियन कार्सिनोमा या फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, और BRCA2 की वजह से मेल के अंदर जो है वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। अब जो मेल का ब्रेस्ट कैंसर होता है वो मेल्स के अंदर होता है, रेयर होता है, 1% ऑफ ऑल द ब्रेस्ट कैंसर आपका मेल का होता है। यूजली आपको सब एरियोलर मैस नजर आता है ओल्डर मेल्स के अंदर। ठीक है, ये ओल्ड एज वाले मेल्स के अंदर उनके सब एरियोलर मैस नजर आएगा। हाइएस्ट डेंसिटी होती है ब्रेस्ट टिश्यूज की मेल्स के अंदर निप्पल के नीचे। ठीक है, सब एरियोलर इसलिए नजर आते हैं क्योंकि जो एरियोला होता है ना वहीं पे आपका निप्पल होता है, तो निप्पल के ही नीचे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ब्रेस्ट टिश्यू की। और अक्सर इनको निप्पल डिस्चार्ज के साथ भी प्रेजेंट करते हैं जो मेल्स होंगे। और जो इसकी हिस्टोलॉजिकल टाइप होती है वो इनवेसिव डक्टल कार्सिनोमा इनके अंदर होता है। जो लोबुलर कार्सिनोमा होता है वो रेयर होता है और वो फ्यू लोब्यूल्स को इफेक्ट करता है। BRCA2 म्यूटेशंस के साथ एसोसिएटेड होता है या फिर लाइन फिल्टर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है जो मेल ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है।